आंखों में आंसू लेकर के जवाब दिया उधो तुम्हारे जाने के बाद कि तारे गिन गिन के और यूनो सुंदर हमारे पास में आते अवश्य आते लेकिन अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे बोली में उद्धव यही कह के चले जाते हैं ऐसा नहीं होगा कि श्याम ना आए वो जरूर आएंगे। उधर कन्हैया को जाके जब सारी बात बताई है तो श्याम सुंदर बड़े उदास होते हैं लेकिन श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन श्याम और बलराम जब द्वारिका में रह रहे थे तो इनके जो बड़े भाई थे बलराम उनका विवाह हुआ है रेवती के साथ में जो महाराज रेवत की बेटी थी। भगवान कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ किसके साथ में हुआ तो आइए गौर करते हैं। कुंदनपुर में महाराज भीष्मक जो राज्य करते थे और महाराज भीष्मक के घर में 5 बेटे और 1 बेटी थी रुक्मणी नाम की। रुक्मणी आंगन में जब छोटी थी और रुक्मणी एक दिन जब सहेलियों में खेल रही थी तो रुक्मणी के पास से एक ब्राह्मण देव गाते हुए निकल गए। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का और सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। और रुक्मणी ने जब यह सुन लिया कि अवतार हो गया उसी दिन से रुक्मणी श्याम सुंदर के नाम की दीवानी बन गई। सोचने लगी है रोकी मेरे मन में और जीवन दिन प्यारे भी हो रहे
रुक्मणी ने जब ये सुन लिया कि अवतार हो गया।